पॉलीग्राफी, इसको लाई डिटेक्टर मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसको लाई डिटेक्टर मशीन। मशीन के द्वारा किया जाता है। लाई मतलब झूठ, डिटेक्टर मतलब पहचानने वाली, ठीक है, पकड़ने वाली। मशीन के द्वारा इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में रहेगा, ठीक है, जिसको वो लाई डिटेक्टर मशीन के द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट को किसके द्वारा किया जाता है, वो लाई डिटेक्टर मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दरअसल इस टेस्ट को, जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, इसे झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, ये हर माँ बाप को दिया जा रहा है अभी, लाई डिटेक्टर मशीन, ठीक है, इसका न्यू वर्जन आने वाला है और ये मशीन हर माँ बाप को दी जाएगी। और जैसे ही आप से कोई बात पूछी जाएगी और आप झूठ बोला, तुरंत बता रहे कि झूठ बोला या बोल रही है। आपसे पूछा गया कि मिल के आई थी क्या, अगर नहीं वो बोल गया, ठीक है, तो ऐसा होने वाला है, सरकार सोच रही है ऐसा, ठीक है। ऐसा है नहीं कुछ, आप लिख मत लेना इसको, लिखा तो नहीं आप लोगों ने, कभी लिख लो आप, जो है हर माँ बाप को मिल रहा है, कितने बच्चे लिख लिया, एक लोग है बच्चे, आपने लिख लिया ना तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दरअसल इसे झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कहते हैं। इसका आधार क्या होता है, इसका क्या आधार रहेगा, किस आधार पे जो है हम ये कहेंगे कि हाँ वास्तव में ये मशीन सही है या टेस्ट जो है ये सही है, वो आधार क्या होगा, उस आधार की बात कर लेंगे। तो ऐसे आधार ये लेके चल रहे हैं कि झूठ बोलते समय आपने देखा होगा एक व्यक्ति के शरीर के अंदर कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन शारीरिक क्रियाओं में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन, उन सारे क्रियाओं में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। जैसे झूठ बोलते समय सामान्यतः क्या होता है कि जैसे आप झूठ बोलोगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने झूठ बोला है कभी ना कभी लाइफ में, कभी ना ईमानदार ऐसा बताएंगे कभी ना कभी झूठ बोल दिया है, ठीक है। कोई ऐसा था सती सावित्री या सता सावित्री बैठा हो ना हरिश्चंद्र की औलाद, तो बता देना बेटा अभी, ठीक है। तो लगा सभी हम लोग झूठे हैं, यहाँ सभी झूठे बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं सच्चा नहीं है, सब झूठे बैठे हैं, ठीक है। तो आपने देखा सामान्य जब झूठ बोलते हैं तो एक व्यक्ति जब झूठ बोला था उसकी सांस लेने की जो गति है वो तेज हो जाती है, सांस लेने की गति तेज हो रही है और सांस लेने की गति के साथ साथ जो हृदय की गति है वो भी तेज होने लगती है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पसीने का स्राव बढ़ जाता है शरीर में। झूठ बोल रहे हैं आप, छिपा रहे हैं कोई चीज, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, पसीने का स्राव भी तेज होना शुरू हो जाता है। आप देखोगे सबसे जो कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा होने वाली चीज है वो हकलाना होता है, ठीक है। झूठ बोलते समय आपकी जबान जो है तुतलाने लगती है, आप हकलाने लगते हो, जीभ जो है आपकी लड़खड़ाने लगती है जी। तो आंखों की पुतलियों की अगर बात करें तो आंखों की पुतलियां भी थोड़ी आकार बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, उसी का अध्ययन ही इसमें किया जाता है और उसी के आधार में बताया जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, किसी बारे में जानकारी ले जा रही है, तो ये जो अभी आपको क्रियाएं बताएं तो सामान्यतः ये होती है, ये परिवर्तन एक व्यक्ति के शरीर में होते हैं, ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म परिवर्तन शारीरिक होते हैं, इनको ही ये लाई डिटेक्टर मशीन
स्टडी करती है और रिजल्ट देती है कि आपने झूठ बोला, समझे? यही है, बाकी और कोई खेल नहीं है कि आपके अंदर के जो है हाथों को या मन को पढ़ लिया कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, मन तो किसी नहीं पढ़ा गया किसी का। ठीक, जो आपके शारीरिक गतिविधियां हैं उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन है उसी के बिना पे बोलते हैं कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। इससे वो कहते हैं कि सच बोलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। आप अगर सच्चे हैं तो बेधड़क लाखों करोड़ों की संख्या में सच बोल देंगे, हजार बार वही चीजें बोलेंगे अगर आपका वास्तव में सच है तो, आप सच्चे हैं। और आपने किसी बात को बनाया है, आप झूठे हैं, बना बना के बात बोल रहे हैं, झूठे हैं आप, बातें छिपा रहे हैं, सच बोलने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आपको क्या है उसके लिए हर पल जो है सोचना पड़ेगा, हर पल अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, गलत ना हो जाए, रटना पड़ेगा आपको। ऐसे में जीव लड़खड़ा जाती है, हगलाना शुरू हो जाता है व्यक्ति। जब आपको लगता है फंसने वाले हैं तो बॉडी से पसीना भी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, हुआ है, ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं सारे परिवर्तन, इन्हीं के आधार पे ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप इसमें आधार की बात ये देख सकते हैं कि जैसे झूठ बोलते समय सामान्यतः झूठ बोलते समय जो है सांस लेने की गति, गहराई और लय का बदल जाना। ठीक है, सांस लेने की गहराई, गति व लय का बदल जाना। ठीक है, लय का बदल जाना। जो शरीर है, शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, तो शरीर के तापमान का बढ़ जाना। शरीर के तापमान का बढ़ जाना। ठीक है, और हकलाना, हकलाना मतलब वो जुबान जो है आपकी हकलाना शुरू कर देती है, लड़खड़ाना शुरू कर देती है, हकलाना। हृदय की गति का तेज हो जाना, हार्ट बीट, हृदय की गति का तेज हो जाना। ठीक है, हृदय गति का तेज हो जाना, पसीने का श्राप बढ़ जाना, पसीने का श्राप बढ़ जाना। कहने का मतलब हाथ पांव में से, हथेलियों में से पसीना, पसीना बॉडी में पसीना आ जाता है, माथे में पसीना आ जाना। ठीक है, ऐसा होता है कि पसीना आ रहा है, इसका झूठ बोल रहे हो, चोरी तुमने ही की है, मर्डर तुमने ही किया है। ठीक है, तो यही चीजें तो हैं। और आंखों की पुतलियां का फैल जाना, आंखों की पुतलियों का फैल जाना। ठीक है, आंखों की पुतलियों का फैल जाना। ये सब क्या है? सारे गतिविधियां होती हैं, इन सारे गतिविधियों में ये सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सूक्ष्म परिवर्तन।
ये सब क्या है, वो शारीरिक गतिविधियां, गतिविधियों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन है, और इन्हीं का क्या होता है अध्ययन के आधार पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के अध्ययन के आधार पर। वो झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है। अब बात कर लें क्या ये जो प्रक्रिया है पॉलीग्राफी टेस्ट, लाइट डिटेक्टर मशीन, तो ये कहाँ तक विश्वसनीय है, तो इसकी विश्वसनीयता की बात कर लेंगे। तो वैसे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा सच्चाई बताएगी, ठीक, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे पीस देखे होंगे तो अपने बॉडी के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को छिपा लेते हैं। जैसे आपकी आंखों में आके डाल के ऐसा झूठ बोलेंगे, आपको लगेगा झूठ बोल ही नहीं रहा, आपसे कहेगा चांद तारे ले आऊं क्या, क्या ले आता है, नहीं आ गए वाह एकदम लेके आ जाएगा। आपको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाएगा कोई व्यक्ति, आपको लगेगा एकदम सच्चा है। तो वो तो एक मामला लग रहा है, ठीक है। तो इसकी विश्वसनीयता की अगर बात करें तो कम है। विश्वसनीयता कम है, ठीक है, कुछ बिंदु इसमें देख लेंगे। तो विश्वसनीयता क्या है, कम है, इतना ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। अब बात करेंगे न्यायालय की, जो न्यायालय है कोर्ट है, क्या इसको कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, तो कोर्ट भी इसको कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो न्यायालय जो है वो भी इसको कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता, ठीक है। कोर्ट भी कहता नहीं, नहीं इसको हम साक्ष्य के रूप में मान्यता दे ही नहीं सकते जी, इसमें लपड़ा हो जाएगा। हाँ ये है कि इससे ये चीज हो सकती है, इसकी उपयोगिता की अगर बात करें तो छानबीन को दिशा दे सकता है, ठीक है, छानबीन को दिशा दे सकता है। एक जैसे आप पुलिस का भी देखोगे, पुलिस कहते ना कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो ना पहचान ले, हम तो शक्ल से देख के पहचान लेते हैं, तो उनके पास लाइट डिटेक्टर मशीन होती नहीं है, वो अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आया दो तीन सवाल पूछे, उसको पसीना आने लगा, ये लड़खाने लगी जुबान, तो समझ जाएगा बेटा झूठ बोल रहे हो तुम पक्का। और जैसे गुम हुआ शांत हुआ तो बस दो तीन लाठी हो जाएगा, बाबूजी सच बता रहा हूँ, क्या पता सच क्या है ये। तो ये चीज है कि आप इससे ही कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता की अगर बात करें तो छानबीन को दिशा दे सकता है या देना मात्र है, ठीक है। उपयोगिता यहाँ लिख लेते हैं, उपयोगिता की अगर बात करें तो छानबीन को दिशा देना मात्र, ठीक है, इससे जो है छानबीन को दिशा दे, ठीक है। हाँ ये इस तरह से बोल रहा है कि सच है या नहीं है, थोड़ा ये अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी और कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें। तो एक बात जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में जान लेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो दरअसल लाइट डिटेक्टर मशीन के द्वारा किया जाने वाला एक टेस्ट है, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कहते हैं, झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका आधार क्या होगा, किस तरह से जो है आप ये कहेंगे कि वास्तव में ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो आधार क्या है,
ठीक है। तो आधार वो रहेगा। देखो सामान्यतः झूठ बोलते समय एक व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जैसे वो सांस लेने की गहराई, गति और लय बदल जाती है। एक व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसके सांस लेने की गहराई, गति और लय बदल जाती है, वही उसके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और हकलाने लगता है, जुबान भी क्या है वो लड़खड़ाने लगती है, हकलाने लगता है व्यक्ति, और हृदय की गति भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या उस व्यक्ति को पसीना भी आने लगता है, मतलब पसीने का स्राव बढ़ जाता है, अवयव के माथे पे पसीना आ गया। ठीक है, ऐसे होता है, हाथों में पसीना आ गया और उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं उनके आकार बढ़ जाते हैं या वो फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है सारे गतिविधियों में होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन है उसी का अध्ययन करके ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति क्या है वो झूठ बोल रहा है, ये इसका आधार है। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या कहाँ तक ये जो इस पर भरोसा आप कर सकते हैं, विश्वसनीयता की बात करें तो दरअसल इसकी विश्वसनीयता कम है। ठीक है, इस पर आप जो है ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कम है विश्वसनीयता। ठीक है, पूरा 100% श्योर नहीं है। इसलिए क्या है, न्यायालय ने भी कोर्ट ने भी इसको कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसको माना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100% नहीं है, क्यों माने इसको। ठीक है, उपयोगिता ये है कि हाँ से ये हो सकता है, ये सहायता मिल सकती है कि एक पुलिस जो है या किसी के बारे में आप छानबीन कर सकते हैं, तो छानबीन की दिशा को एक छानबीन की दिशा इससे मिल सकती है। ठीक है, तो ये उपयोगिता हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है वो पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।